रमजान महीना, बाजार में खजूर के दाम बढ़ गए हैं। दरअसल रमजान के दौरान खजूर को काफी पसंद किया जाता है, इसलिए रोजा रखने वाले इसे जरूर खरीदते हैं। लेकिन इस साल इसकी आवक कम बताई जा रही है। सोलापुर के किडवाई चौक, विजापुर वेस, शास्त्रींगर और नई जिंदगी से मिली मालूमात से रमजान शुरू होने से पहले इसकी कीमतों में 20% का इजाफा हो गया है। इस साल रमजान की शुरुआत 2 अप्रैल से हो रही है। इस पवित्र महीने में खजूर की काफी डिमांड होती है, ऐसे में व्यापारियों और आयातकों ने भी खजूर के खास इंतजाम किए हैं। कोरोना के प्रतिबंध लगभग खत्म होने से सोलापुर में खरीदारों की भीड़ है। पिछले साल के मुकाबले इस बार सेल डबल हो रही है, साथ ही दाम भी बढ़ गए हैं। अल्लाह के रसूल की सुन्नत है जो इफ्तारी के टाइम पे इस्तेमाल करते हैं। हर जो है वो मोमिन जो रोस्तारी करता है वो बगैर खजूर के नहीं करता जी। तो अपने पास अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना एसके फूड हमारा जो शॉप है उसमें हर किस्म की खजूर मिलेंगे आपको। अरबी अरब के खजूर हैं, ईरान की खजूर हैं, कतर के खजूर हैं, इराक के खजूर हैं। सुखरी से पकड़ के आपको कलमी तक मिलेगा, यानी कि आपको 150 से पकड़ के 1200 रुपये तक के किलो खजूर हमारे पास अवेलेबल है। जूसेस बहुत सारे जूसेस जो इफ्तारी के टाइम पर इस्तेमाल करते हैं, फालूदे भी हैं बहुत सारे जो रमज़ान के मुबारक मौके पर इस्तेमाल किया जाता है। और ये महीना जो है कड़क धूप में आया है तो इसलिए जो है ना जूसों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। आपको अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद, अल्लाह ताला आपको दायम और कायम रखे। आप ये इस जो खजूर के जो अभी दाम है जी, पिछले साल के और इस साल के तुलने में क्या फ़र्क है? बहुत ज़्यादा हो गए दाम। कितना है ना दाम? पहले जो है खजूर जो है 230 रुपए किलो था, वो आज 260 रुपए किलो, 270 रुपए किलो है। 30-35 मेरे ख्याल से 20% 10% 20% ऐसा बढ़ गया दाम जी जी खजूर का जी। और हर चीज़ बढ़ गई क्यों? ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया, पेट्रोल का भाव, डीजल का भाव, इसको जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ गए, इसलिए खजूर रेट जंप हो गया। ऊपर बम्बई में रेट वही है जो पिछले साल था, लेकिन आने का रेट जो है ना वो महंगा हो गया। अच्छा अच्छा ठीक है।